गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे बेलनाकार प्रक्षेप में सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन की। जिस प्रकार से बेलनाकार प्रक्षेप की तीन कैटेगरीज होती हैं, सिंपल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन, सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन और मर्केटर प्रोजेक्शन, तो इसमें हम बात करने वाले हैं बेलनाकार समक्षेत्रफल प्रक्षेप की। इस प्रक्षेप की रचना जोहान हेनरिच लैम्बर्ट ने की और जोहान हेनरिच लैम्बर्ट के नाम से ही इसको लैम्बर्ट प्रक्षेप के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जिस प्रकार से इसमें नाम से ही हमें पता चल रहा है इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। इस प्रक्षेप में पूरे प्रोजेक्शन में जो एरिया है वो शुद्ध रहता है, ग्लोब के अनुसार एरिया शुद्ध रहता है। तो उसके लिए हमारे पास स्टेटमेंट होती है और स्टेटमेंट में एक हमारे पास आरएफ होता है जिसकी सहायता से हम पृथ्वी के अर्धव्यास को ग्लोब के अर्धव्यास में बदल लेते हैं, जिसके कारण हम उस ग्लोब की कल्पना कर सकते हैं जिसकी सहायता से हमें यह हमने यह प्रोजेक्शन बनाना है। तो वो हमारे पास आरएफ है, आरएफ है 1:20। हमें और क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी और देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी। तो यहाँ पर है इंटरवल ऑफ लैटिट्यूड 15 डिग्री और इंटरवल ऑफ लॉन्गिट्यूड 30 डिग्री। तो इस अंतराल पर, अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं के अंतराल पर हम समक्षेत्रफल प्रक्षेप की यहाँ पर हम रचना करेंगे। तो सबसे पहले हमें इस आरएफ की सहायता से उस ग्लोब का रेडियस चाहिए जिसकी सहायता से हम प्रोजेक्शन का की रचना हम करेंगे। तो पहला पॉइंट इसमें आता है रेडियस ऑफ द ग्लोब, रेडियस ऑफ द ग्लोब। और ये रेडियस ऑफ द ग्लोब किस प्रकार से निकालेंगे? जब हमारे पास आरएफ होती है, आरएफ, इस आरएफ को यदि हम पृथ्वी के वास्तविक अर्धव्यास से गुणा कर देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे रेडियस ऑफ द अर्थ, इससे हम गुणा कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है रेडियस ऑफ द ग्लोब। और आरएफ हमारे पास कितना है? 1:20। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1:20, ये 1:20। और इसको गुणा करेंगे मल्टीप्लाइड बाई रेडियस ऑफ द अर्थ। जो रेडियस ऑफ द अर्थ है या पृथ्वी का जो अर्धव्यास है वह सेंटीमीटर्स में लगभग 64 करोड़ होता है, तो इसे यहाँ 64 करोड़ सेंटीमीटर से इसको हम गुणा कर देंगे। ये 64 करोड़ सेंटीमीटर्स, जब इस प्रकार से इसको हम गुणा करते हैं और कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास ये इसको डिवाइड करने वाला आता है 3.2 सेंटीमीटर, ये रेडियस ऑफ द ग्लोब हमारे पास आ जाता है। 3.2 सेंटीमीटर प्रकार खोल के एक सर्कल का निर्माण करेंगे, ये इसका सर्कल जो हमारे ग्लोब को प्रदर्शित करेगा। इस सर्कल में हम इसके भूमध्य रेखीय व्यास और ध्रुवीय व्यास भी हम इसमें ड्रा कर लेंगे। तो ये हो गया आपका भूमध्य रेखीय व्यास और ये हो गया आपका ध्रुवीय व्यास। दोनों व्यास एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटते हैं, ओ बिंदु पर काटते हैं और यहाँ पर इसको हम एन नाम दे देते हैं, यहाँ पर इसको हम एस नाम दे देते हैं और ये इसको हम लेते हैं पी और यहाँ पर ले लेते हैं डब्ल्यू। यह वह सर्कल हुआ जो उस ग्लोब को प्रदर्शित करेगा जिसकी सहायता से हमने समक्षेत्रफल प्रक्षेप की रचना करनी है। अब दूसरा जो पॉइंट हमारे पास आता है, दूसरा आता है लेंथ ऑफ इक्वेटर, लेंथ ऑफ इक्वेटर, लेंथ ऑफ इक्वेटर। और वो लेंथ ऑफ इक्वेटर हम क्यों लेंगे? क्योंकि जो हमारा कागज़ का जो बेलन होता है वह इस ग्लोब के ऊपर चढ़ा होता है और भूमध्य रेखा को छूता है, तो इस प्रकार से इस ग्लोब की जो परिधि है वही परिधि उस बेलन की परिधि भी होगी। और जब उस बेलन को उतार कर, कागज़ के बेलन को उतार कर हम एक समतल कागज़ में बदल देंगे तो हमारे पास भूमध्य रेखा की लंबाई, वास्तविक लंबाई आ जाएगी जो उस ग्लोब के अनुसार शुद्ध होगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ले लेंगे लेंथ ऑफ इक्वेटर। और ये लेंथ ऑफ इक्वेटर किसकी रहेगी? वो हमारे उस ग्लोब की रहेगी जिसका हमने रेडियस अभी कैलकुलेट किया था। तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास होता है 2πr, और इस प्रकार से हम इसको कैलकुलेट करते हैं 2×22/7 और 3.2 जो रेडियस ऑफ द ग्लोब था और ये सेंटीमीटर्स में है। तो इस प्रकार से जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 20.11 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ये सेंटीमीटर आता है, ये हमारी भूमध्य रेखा की लंबाई आ जाती है। जो P और W रेखा है इसको और आगे हम बढ़ाएंगे और 20.11 सेंटीमीटर तक इसको हम यहाँ तक हम इसको बढ़ा लेंगे। इसको हम E मान लें, E
पॉइंट माने और ए और डब्ल्यू पर हम इस प्रकार से लम्ब खड़े कर लेंगे। यहाँ पर लम्ब खड़े कर लेते हैं, इसको भी हम मिटा देते हैं, तो यहाँ पर लम्ब खड़े करेंगे। तो अब यहाँ हम करेंगे जो हमारा लॉन्गिट्यूड का इंटरवल था, उस लॉन्गिट्यूड के इंटरवल वो था हमारा 30 डिग्री का। अब 30 डिग्री का एंगल यहाँ पे हम बनाते हैं, इस दिशा में हम 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये वो 30 डिग्री का एंगल। और यहाँ पर इसको ये डी स्मॉल डी पर ये काटेगा। अब यह है 30 डिग्री का एंगल। अब इस 30 डिग्री के एंगल की चापकर्ण की दूरी हम निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर, थर्ड पॉइंट हम ले लेंगे यहाँ पर, लेंथ ऑफ 30 डिग्री कोण, ये लेंथ ऑफ 30 डिग्री कोण यहाँ ले लेंगे। और ये 30 डिग्री कोण किस प्रकार से निकाल लेंगे, क्योंकि जो पूरी हमारी परिधि थी वो परिधि थी 2πr, और उस 2πr में से 30 डिग्री के एंगल के चापकर्ण की दूरी हमने निकालनी है। तो ये आता है हमारे पास 2πr मल्टीप्लाइड बाई 30 बटे 360। तो इस तरह से हम इसको हम दूरी निकाल लेंगे, और ये दूरी आती है, ये था हमारे पास 20.1, 1 × 30/360, इस प्रकार से ये दूरी हमारे पास आ जाएगी। और ये हम निकालेंगे, ये हमारे पास आ जाती है 1.76 सेंटीमीटर्स। तो ये 1.76 सेंटीमीटर आ गई, और ये 30 डिग्री के चापकर्ण की दूरी आ जाती है, या लंबाई आती है, जो 30 डिग्री का चापकर्ण यहाँ पे है। पी और डी जो चापकर्ण ये है, इसकी जो लेंथ है, लंबाई है, हमारे पास 1.76 आ जाती है। अब 1.76 प्रकार खोलकर यदि इस भूमध्य रेखा की लंबाई को यदि हम 12 भागों में बांटें, तो वो सभी देशांतर रेखाओं के चिन्ह हमारे पास आ जाएंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको दो भागों में बांटेंगे, ये दो भागों में बांटेंगे, और 1.76 प्रकार खोलकर इस बिंदु पर रखेंगे, और छः निशान इधर लगा लेंगे, और छः निशान इसके पश्चिमी गोलार्ध में लगा लेंगे। तो छः निशान यहाँ लगाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और इसी प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इस प्रकार छः निशान हुए। और इन इस जो ये सेंट्रल मेरिडियन है, इस सेंट्रल मेरिडियन के समानांतर अन्य रेखाएं भी हम यहाँ देशांतर रेखाएं हम यहाँ पे खींच लेंगे। अब आते हैं बात हमारी अक्षांश रेखाओं की। तो अक्षांश रेखाएं क्या, इंटरवल था अक्षांश रेखाओं, जो अंतराल है, इंटरवल है, वह 15 डिग्री। अब यहाँ पर ओ बिंदु पर 15 डिग्री का एंगल बनाएंगे, 15 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, 60 और ये 75 डिग्री के एंगल यहाँ पर हम बनाते हैं। और इसी प्रकार से साउदर्न गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में भी 15 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 75 डिग्री, इस प्रकार से ये एंगल हम बना लेते हैं। अब ये एंगल इस डब्ल्यू एन चापकर्ण और डब्ल्यू एस चापकर्ण को यहाँ पर ये काटता है, ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, ई और एफ बिंदु पर काटता है, और इधर हम ले लेते हैं ए वन, बी वन यहाँ पे, बी वन और ये सी वन और ये आता है ई वन और ये एफ वन, इन बिंदुओं पर ये काटता है। अब जो ए है, ए बिंदु से इस भूमध्य रेखा के समानांतर अन्य अक्षांश रेखा या 15 डिग्री का अक्षांश रेखा हम यहाँ पे खींचेंगे, ये 15 डिग्री का अक्षांश रेखा हुई। और बी से भूमध्य रेखा के समानांतर 30 डिग्री का अक्षांश रेखा खींचेंगे, सी से यहाँ तक ब्रोकन लाइन रखेंगे और भूमध्य रेखा के समांतर 45 डिग्री की अक्षांश रेखा, और ई 60 का एंगल था और इससे 60 डिग्री की अक्षांश रेखा, और एफ है वो था 75 डिग्री का एंगल और ये 75 डिग्री की अक्षांश रेखा, और एन से, एन से खींचेंगे हम 90 डिग्री की अक्षांश रेखा, इस प्रकार से। और इस प्रकार साउथ में ये हुई 15 डिग्री अक्षांश रेखा और ये हुई 30 डिग्री अक्षांश रेखा, और यहाँ पर है 45 डिग्री अक्षांश रेखा और ये है 60 डिग्री अक्षांश रेखा, और यहाँ पर है 75 डिग्री की अक्षांश रेखा, और उसके बाद है यहाँ पर 90 डिग्री की, दक्षिण गोलार्ध से 90 डिग्री की अक्षांश रेखा, ये 90 डिग्री अक्षांश रेखा। और जो बाहर की लाइनें हैं वो उनको मिटा देंगे, और यहाँ पर जो सेंट्रल मेरिडियन है उसके ऊपर यहाँ 0 डिग्री,
जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 150 और यह हो गया 180 डिग्री ईस्ट। और इसी प्रकार से इधर 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 और 150 और 180 डिग्री ये वेस्ट। और इस प्रकार से 0 डिग्री सेंट्रल जो मेरिडियन है इस पर 15 डिग्री, इसके हम बाहर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर बाहर भी लिख सकते हैं तो क्योंकि अंदर थोड़ी सी भीड़ हो जाएगी, 15 डिग्री। और यह है 30 डिग्री, यह है 45 डिग्री, यह 60 डिग्री, यह 75 डिग्री और यह है 90 डिग्री नॉर्थ, ये नॉर्थ हुआ। और इस प्रकार 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री और ये 90 डिग्री साउथ। इस प्रकार से यहाँ भी हम इसको साउथ लिख सकते हैं, ये साउथ हुआ और ये हुआ आपका नॉर्थ। अब यहाँ पर लिखेंगे इसकी आरएफ, ये आरएफ है 1:20 करोड़ और लैटिट्यूड इंटरवल 15 डिग्री और लॉन्गिट्यूड इंटरवल 30 डिग्री। तो इस प्रकार से यह हमारा बन जाता है प्रोजेक्शन। अब इस प्रोजेक्शन में हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, इसकी विशेषताओं की बात करेंगे, इसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं में सबसे पहले हम बात करेंगे अक्षांश रेखाओं का आकार, या हम यूँ कहेंगे अक्षांश रेखाओं की आकृति। जो अक्षांश रेखाएं हैं वो ये भूमध्य रेखा है, वो हमारी हॉरिजॉन्टल सभी क्षैतिज रेखाएं जो हैं, पड़ी हुई रेखाएं जो है वह सभी अक्षांश रेखाएं। यहाँ पर है भूमध्य रेखा जो ग्लोब के अनुसार शुद्ध है, फिर है 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 और ये 90। इसी प्रकार से ये सभी अक्षांश रेखाएं जो क्षैतिज रूप से हैं या पड़ी हुई रेखाएं हैं, एक दूसरे के सभी रेखाएं समानांतर हैं। दूसरी प्रॉपर्टी आती है दिशांतर रेखाओं का आकार, सभी दिशांतर रेखाएं वर्टिकल हैं और एक दूसरे के ये रेखाएं भी सभी समानांतर हैं। तीसरी जो विशेषता इसमें आती है वो है अक्षांश और देशांतर रेखाओं का प्रतिच्छेदन या इंटरसेक्शन ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अक्षांश रेखाएं देशांतर रेखाओं को कितने डिग्री के कोण पर काट रही हैं, तो सभी जो अक्षांश रेखाएं हैं वो सभी देशांतर रेखाओं को, जो खड़ी देशांतर रेखाएं हैं उनको 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं। तो यहाँ पर भी 90 डिग्री है और यहाँ पर भी 90 डिग्री, सभी के 90 डिग्री है, तो ये हुआ इसका प्रतिच्छेदन। फिर आती है अक्षांश रेखाओं के मापक की। अब अक्षांश रेखाओं का मापक किस प्रकार से है हम यहाँ पे देखेंगे। अक्षांश रेखाओं में क्योंकि ये जो कागज़ का जो सिलेंडर था वह ग्लोब के ऊपर हमने चढ़ा रखा था और जब ग्लोब के ऊपर हमने चढ़ाया तो वह कागज़ का सिलेंडर ग्लोब को छुए हुए था। अब जब उसको ऊपर से हमने उतार लिया और उतारने के बाद फिर उसको काट के और एक समतल कागज़ में बदल दिया तो भूमध्य रेखा है वो एक सीधी रेखा हो गई। अब वह सीधी रेखा उतनी ही रही जितने ग्लोब की परिधि थी। तो यह भूमध्य रेखा का जो मापक है वह ग्लोब के अनुसार शुद्ध रहता है। ग्लोब पर भी उतनी ही लंबी रेखा है जितनी यहाँ पर लंबाई में दिखाई गई है। दूसरी बात, इस प्रक्षेप में सभी अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के बराबर हैं, जितनी लंबी भूमध्य रेखा है उतनी ही लंबी अक्षांश रेखाएं हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस प्रक्षेप में जो अक्षांश भूमध्य रेखा को छोड़कर अन्य अक्षांश रेखाओं के मापक में ध्रुवों की ओर जाते हुए विवर्धन होता है, या यूं कहें कि हम उसमें एनलार्जमेंट होता है। मोटे रूप से हम यूं कहें कि भूमध्य रेखा का मापक शुद्ध है और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हुए अक्षांश रेखाओं के मापक में उत्तरोत्तर विवर्धन होता जाता है या अनलार्जमेंट होता जाता है। फिर आती है अगली विशेषता देशांतर रेखाओं के मापक की। अब देशांतर रेखाओं का मापक यहाँ से यहाँ तक है और ग्लोब के ऊपर सभी देशांतर रेखाएं एक दूसरे के समानांतर तो नहीं होती हैं, लेकिन उनकी लंबाई
एक दूसरे के बराबर होती हैं, सभी रेखाएं एक समान होती हैं। यहाँ पर भी एक समान है, लेकिन जितनी ग्लोब के ऊपर लंबी रेखाएं होती हैं उतनी लंबी रेखाएं यहाँ पर नहीं हैं। ध्रुवों की ओर जाते हुए उनकी लंबाई को इस प्रकार से कम कर दिया गया है ताकि प्रक्षेप पर किन्हीं दो अक्षांशों और दो अंतर रेखाओं के बीच में जो क्षेत्रफल है वो शुद्ध रहे। तो इस प्रकार से ध्रुवों की ओर जाते हुए देशांतर रेखाओं में के मापक में रिडक्शन कर दिया गया है या उसमें लघुकरण कर दिया गया है। मोटे रूप से हम यहाँ पर यूँ कहें कि देशांतर रेखाओं का मापक भूमध्य रेखा के आसपास तो शुद्ध है, लेकिन भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हुए उसमें लघुकरण या रिडक्शन कर दिया गया है। फिर इसमें आती है विशेष उपयोग की बात। इसमें विशेष उपयोग क्या है? अक्षांश रेखा का मापक भूमध्य रेखा का मापक शुद्ध है, लेकिन ध्रुवों की ओर जाते हुए सभी अक्षांश रेखा का मापक उत्तरोत्तर बढ़ रहा है और उसी अनुपात में या उसी तरह से देशांतर रेखाओं के मापक को इस प्रकार से घटा दिया गया है कि किसी भी अक्षांश रेखाओं की जो बनी हुई पट्टी है, अक्षांश रेखाओं से बनी हुई पट्टी है, उसका क्षेत्रफल ग्लोब के अनुसार शुद्ध रहे। तो इस प्रकार से इसमें विशेष गुण यह है किन्हीं दो अक्षांश रेखाओं के बीच में क्षेत्रफल शुद्ध रहता है। अब इसमें आते हैं हम उपयोग की बात। उपयोग कहाँ करेंगे? मैंने पहले भी बताया कि उपयोग जहाँ पर शुद्धता है वहीं पर उपयोग है, और शुद्धता यहाँ पर कहाँ है? इसमें क्षेत्रफल की शुद्धता है। तो क्षेत्रफल शुद्ध होने के कारण हम इसमें पूरे विश्व का राजनीतिक मानचित्र भी बना सकते हैं, लेकिन राजनीतिक मानचित्र बनाते हुए इसमें क्या होगा? ध्रुव भूमध्य रेखा के आसपास तो राजनीतिक मानचित्र सही बनेंगे, लेकिन जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते जाएंगे तो देशों के अलग अलग देशों के जो मानचित्र हैं उनमें विकार आ जाएगा, और वह विकार किस प्रकार से आएगा कि वह पूर्व और पश्चिम दिशा में ज़्यादा फैल जाएंगे और उत्तर से दक्षिण की ओर वह कम होते जाएंगे। तो इस प्रकार से ये इसमें विकार आता है। तो वैसे हम संसार का मानचित्र ठीक ठीक से इसमें हम बना सकते हैं, और विशेष गुण इसमें भूमध्य रेखा शुद्ध होने के कारण इस प्रक्षेप पर उष्णकटिबंधीय फसलों के वितरण को शुद्धता से दिखाया जा सकता है। अब उष्णकटिबंधीय फसलें कौन कौन सी हैं? उसमें रबड़ है, कहवा है, चाय है, गन्ना है, कपास है, नारियल, मूँगफली, तंबाकू, इन सभी फसलों के वितरण को बढ़िया तरीके से दिखाया जा सकता है। और छोटे देशों को जो भूमध्य रेखा के आसपास हों उनको बढ़िया तरीके से दिखाया जा सकता है या शुद्धता से दिखाया जा सकता है, जैसे इक्वेडोर है, केनिया है, और गैबन है, कांगो है, इनको भी ठीक ठीक से दिखाया जा सकता है क्योंकि वो भूमध्य रेखा पर पड़ते हैं। और इसी प्रकार से इंडोनेशिया है, इसको भी ठीक से दिखाया जा सकता है। फिर आते हैं विशेषताओं में सीमाओं की बात। अब सीमाओं में क्या है? सीमाएं में क्योंकि भूमध्य रेखा शुद्ध है और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हुए अक्षांश रेखाओं में मापक में एनलार्जमेंट होता है और देशांतर रेखाओं के मापक में रिडक्शन होता है, तो इसलिए ध्रुवों के आसपास वाले क्षेत्र में विकार आ जाता है और इसलिए वहाँ पर बढ़िया ना तो वितरण दिखाया जा सकता है, आकृति उसकी ख़राब हो जाती है, वो पूर्व और पश्चिम दिशा में ज़्यादा फैल जाते हैं। तो उन क्षेत्रों में बढ़िया तरीके से ना तो उसमें वितरण मानचित्र बनाए जाएंगे और राजनीतिक मानचित्र भी वहाँ पर बढ़िया नहीं बनेंगे।